आज हम सिर्फ 5 मिनट में बनाएंगे गेहूं के आटे और आलू से ये टेस्टी चटपटा सा नाश्ता, और आपको पसंद भी बहुत आएगा। जब भी कुछ टेस्टी खाने का मन हो तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 2 आलू। मैंने यहाँ पे उबला हुआ आलू लिया है। आलू को मैंने धो के छील के उबाल लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मटर ले रही हूँ। ये हरी फ्रेश मटर है। मटर को भी मैंने उबाल लिया है, उसके बाद इसे छन्नी में रख दिया था। मटर के अंदर जो भी पानी है वो निकल गया था। तो अब हम आलू और मटर इन दोनों को एक पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपकी मटर हल्की सी यहाँ पर रह जाती है मैश करने के लिए तो कोई बात नहीं, जब मटर हमारे नाश्ते में मिलेगा दरदरी हुई तो ये नाश्ता और भी ज़्यादा बढ़िया बनेगा। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे मैंने मैश कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच अदरक को घिस के और 1 चम्मच लहसुन को ग्रेट करके। लहसुन और अदरक ग्रेट करके डालिए। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट के डाला है। 1/2 छोटा चम्मच डाल दीजिए इसमें चाट मसाला, बहुत ही चटपटा टेस्ट लाने के लिए। और 1/2 चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा डाल दीजिए आप कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप कम भी कर सकते हो। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो हम इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे, हमें इसे बनाने के लिए ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जितने भी हमने यहाँ पे मसाले ऐड किए हैं उसे आप इस तरीके से मिला लीजिए। अगर आपको लगे कि आलू आपकी हल्की सी गीली है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा भी डाल सकती हो। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने जब आलू को मिला लिया, थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लिया और आलू के हम इस सही से पोर्शन लेंगे और इसे चिकना करके गोल गोल जैसे टिक्की बनाते हैं बस उसका शेप दे देंगे। तो बहुत आसान है इसे बनाना। इस तरीके से हल्का सा इसे शेप में दे दीजिए और यहाँ पे 1 टिक्की आलू की यहाँ पे बन के तैयार है। इसी तरीके से दूसरा भी हम बना लेंगे। तो फिर से आप इस तरीके से हाथ से घुमाएं, उसे हल्का सा चिकना करके हल्का सा दबा दीजिए। तो देखिए इस तरीके से पहले आप सारे नाश्ते को यहाँ पे आलू के बना के आप रेडी कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सभी को बना लिया है। और यहाँ पे अब हम एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। तो एक छोटे से बर्तन में मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच गेहूँ का आटा डाल दिया है। उसके बाद थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। नमक भी हमने आलू में डाला था तो आप नमक को कम ही डालिएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम यहाँ पे आटे का घोल बनाएंगे। तो आपको एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा घोल बना के तैयार करना है। देखिए घोल हमारा इस तरीके से बनना चाहिए, चम्मच अच्छे से कोट हो रहा है तो घोल तैयार है। सारे नाश्ते जितने भी हमने बनाए थे उसे एक एक करके हम इस आटे के घोल में डालेंगे और इसे इस तरीके से घोल के अंदर अच्छे से लपेट देंगे। उसके बाद 1 चम्मच से इसे हम बाहर निकाल के इस तरीके से तेल में डालेंगे। तो चलिए अभी इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो गया तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे नाश्तों को तेल में डाल देती हूँ। तो पैन में जितनी जगह है उस हिसाब से हम सभी नाश्तों को डाल देंगे। और जब इसको सेकंड में जब हल्का हल्का पक जाएगा तो इसके ऊपर स्पून से आपको गरम गरम तेल डाल देनी है। ऊपर की सतह भी इसकी पक जाएगी। इसे हम ज़्यादा तेल में नहीं बनाएंगे, थोड़े से तेल में ही बन जाता है। और देखिए एक तरफ जब ये पकने लगा है उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसे फिर से पलट दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक तरफ पकने के बाद ही आपको इसे पलटना है, डालने के तुरंत बाद आप इसे ना पलटें। 1 मिनट के बाद जब ये हल्का सा पकने लगा मैं इसे तब पलट दे रही हूँ। और इसी तरीके से हमें इसे 2 से 3 बार अच्छे से दोनों तरफ से पलट पलट के सेक लेना है। हमें इसे क्रिस्पी और कुरकुरा सा टेस्ट लाना है। इसमें हमने गेहूं का आटा इसमें डाला है तो आपको आटे को अच्छे से पका लेना है, इसमें कच्चापन बिल्कुल ना आए। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे हल्का कुरकुरा गोल्डन सा कलर आने तक इसे अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। कलर अच्छे से आ गया है और ये पक भी चुका है। तो बस जब इस तरीके से आपको दिखे कि ये पक गया तो आप इसे एक एक करके निकाल लें इस तरीके से छन्नी में। आप अगर छन्नी में निकाल के रखोगे तो इसमें ज़्यादा तेल नहीं आएगा और जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो यहाँ पे पैन में ही निकल जाएगा। तो आपको इसी तरीके से सभी नाश्तों को तेल में से निकाल के बड़ी सी छन्नी में रख लीजिए और सारा तेल यहाँ पे निकल जाएगा। तो गर्मा गर्म यहाँ टेस्टी सा नाश्ता हमने बना लिया है। तो अब हम इसे यहाँ पे प्लेट में निकाल के रखते हैं। मैं यहाँ पे इसे तीखी चटनी के साथ सर्व करी हूँ। अगर आप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो शाम की चाय के साथ, या सुबह मॉर्निंग में बच्चों को कुछ बना के देना चाहते हो तो आप इसे बना सकते हो। गर्मा गर्म टेस्टी सा आलू और मटर गेहूं के आटे से नाश्ता बन के तैयार है। कैसी लगी दोस्तों आपको ये रेसिपी, आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना टेस्टी बनाए, आप भी इसे ज़रूर बनाएं। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी।